नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 1 मई दिन बुधवार। खबरों के उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 1 मई से नियमों में होंगे बदलाव जो आपकी जेब पर डाल सकते हैं असर। स्कूल से निरीक्षण के दौरान गायब मिले सैकड़ों शिक्षकों के वेतन में कटौती का आदेश। अधिक गर्मी को लेकर इन जिलों में जारी हुआ रेड अलर्ट। आज है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। कोरोना के समय में लगाई गई वैक्सीन का नाम नहीं है याद, तो ऐसे करे पता। T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम की हुई घोषणा। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भर्ती के लिए आज आवेदन की अंतिम तारीख। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 490 पदों पर आई है। आज आवेदन करने की अंतिम तारीख है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट ai.aero.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की हो। MCA पास कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। साथ ही गेट की परीक्षा भी पास होना जरूरी है। गेट परीक्षा के स्कोर को भी भर्ती प्रक्रिया के दौरान देखा जाएगा। उम्मीदवारों की आयु सीमा 27 साल अधिकतम रखी गई है। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए इसके सूचना और आधिकारिक वेबसाइट को आप देख सकते हैं। 1 मई से नियमों में होंगे बदलाव जो आपकी जेब पर डाल सकते हैं असर। हर महीने के 1 तारीख को हमारे देश में कई बदलाव होते हैं जिसका असर सीधे आम आदमी की जेब पर और उनके जीवन पर पड़ता है। 1 मई से होने वाले नियमों में बदलाव की जानकारी आपको होना बेहद ही जरूरी है। तो आपको बता दें कि यस बैंक में सेविंग खातों में बदलाव किया गया है। साथ ही ICICI बैंक में डेबिट कार्ड पर बैंक द्वारा अब सालाना चार्ज 200 रुपये लिए जाएंगे। वहीं 99 रुपये का चार्ज ग्रामीण इलाकों के लिए रखा गया है। इसके अलावा 1 साल के लिए 25 पन्ने की दी जा रही चेकबुक आपको मुफ्त में दी जाएगी। लेकिन यदि आप इससे ज़्यादा चेकबुक के पेज लेना चाहते हैं तो आपको प्रति पेज 4 रुपये देने होंगे। HDFC बैंक में सीनियर सिटीजन केयर FD में निवेश करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 10 मई कर दिया गया है। RBI ने पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए बैंकों के एजेंट के रूप में काम करने वाले कर्ज सेवा प्रदाताओं को कहा है कि कर्ज सेवा प्रदाता ग्राहकों को अपने पास उपलब्ध सभी कर्ज प्रस्तावों की जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे मिंटो टावर गिद्धौर के बारे में। ये टावर बिहार के जमुई जिले के गिद्धौर में स्थित है। इसका निर्माण यहाँ के तत्कालीन शासक रावनेश्वर प्रताप सिंह ने 4th ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मिंटो के आगमन पर उनके स्वागत के लिए तोरण द्वार के रूप में वर्ष 1907 में करवाया था। वर्ष 1985 के बाद से राज परिवार द्वारा सरकार को दान के रूप में दे दिया गया, जिसके बाद कला संस्कृति और युवा विभाग ने इसे संरक्षित स्थल घोषित कर दिया था, जो आज भी ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जाना जाता है। पहले इस द्वार पर लगे घंटे से टिक टिक की आवाज भी हर पहर आती थी। टिक टिक के इस आवाज से लोग समय से अवगत होते थे। आप यदि ऐतिहासिक इमारतों को देखने का शौक रखते हैं तो यहां आ सकते हैं। गर्मी और लू की वजह से स्कूलों को लेकर आदेश जारी। बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है। लोगों का गर्मी में हाल बेहाल है। इसे देखते हुए पटना के जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि स्कूलों के समय में आज से बदलाव किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार सभी निजी और सरकारी स्कूलों में 10वीं कक्षा के संचालन सुबह के 10:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक नहीं होगा। वहीं 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए सुबह के 11:30 बजे से शाम के 4 बजे तक शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक रहेगी। ये आदेश आज से 8 मई तक प्रभावी रहेगा। DM के द्वारा भीषण गर्मी के कारण विद्यालयों के शैक्षणिक गतिविधि का संचालन ऑनलाइन मोड में करने की सलाह दी गई है। वहीं दोपहर में लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। साथ ही बच्चों का विशेष ख्याल रखने को कहा गया है। 1 मई आज है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। आज पूरी दुनिया भर में मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। श्रमिकों और श्रमिक वर्ग के लिए ये खास दिवस है। आज के दिन बिहार में बैंक बंद है। मालूम हो कि श्रमिकों के अधिकारों, सामाजिक न्याय और कामकाजी परिस्थितियों में सुधार लाने के मकसद से मजदूर दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मकसद मजदूरों की तकलीफों को उजागर करना है ताकि उन्हें उनका अधिकार मिल सके। इस दिन की शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी। साल 1986 में मजदूरों ने लगातार 15-15 घंटे काम करने से मना कर दिया था। लोग सड़क पर आ गए थे, 8 घंटे तक काम लेने और 1 दिन की छुट्टी की मांग कर रहे थे। इसके बाद 1 मई को मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत हुई। मालूम हो कि बिहार में मजदूर दिवस के मौके पर सरकारी छुट्टी होती है। BED कॉलेजों में जल्द होगा दाखिला। चल रही मीडिया खबरों के अनुसार बिहार के BED कॉलेजों में मई के पहले सप्ताह से दाखिला शुरू हो जाएगा। बताया जाता है कि इसकी तैयारी की जा रही है। 1 महीने तक आवेदन के लिए BED अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा।
ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी और दरभंगा को बीएड प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके बाद इन विश्वविद्यालयों के द्वारा 9 अप्रैल से आवेदन के लिए तारीख तय किए गए थे, लेकिन फिर आवेदन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी। वहीं अब जल्द ही प्रवेश परीक्षा और आवेदन से संबंधित जानकारी साझा की जाएगी। दाखिल खारिज की वेबसाइट में होंगे कई बदलाव। बिहार में दाखिल खारिज की मौजूदा वेबसाइट में कई तरह के बदलाव किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक दाखिल खारिज में आई समस्या के बाद ये फैसला लिया गया है। बताया जाता है कि अब दाखिल खारिज के लिए वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने के समय ही इसमें सुधार का मौका दिया जाएगा। इससे लोगों को आसानी होगी और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दाखिल खारिज की वेबसाइट को लोगों के लिए और आसान बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार की ओर से इसकी कवायद तेज कर दी गई है। वेबसाइट पर कई बदलाव होंगे। स्कूल से निरीक्षण के दौरान गायब मिले सैकड़ों शिक्षकों के वेतन में कटौती का आदेश। बिहार में निरीक्षण के दौरान स्कूल से गायब मिले सैकड़ों शिक्षकों के वेतन में कटौती का आदेश है। मालूम हो कि राज्य में गर्मी के दौरान स्कूलों में विशेष कक्षाओं का संचालन हो रहा है। इसमें निरीक्षण के दौरान 408 शिक्षक गायब मिले हैं। इनके वेतन को काटने का आदेश दिया गया है। ऐसे में शिक्षकों पर अनुशासनिक कार्रवाई का आदेश है। जानकारी के अनुसार सबसे अधिक बेगूसराय में 29, नालंदा में 26, कैमूर में 20, मुजफ्फरपुर में 22, पश्चिमी चंपारण में 20, सिवान में 16, मधेपुरा में 15, नवादा में 12 और पटना में 11 गैर हाजिर शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे सैयद हसन अस्करी के बारे में। सैयद हसन अस्करी एक भारतीय इतिहासकार थे। इनका जन्म 10 अप्रैल वर्ष 1901 में बिहार में हुआ था। इन्हें इनके साहित्यिक कार्य को भारत सरकार द्वारा मान्यता दी गई थी, जो मध्यकालीन सूफीवाद, बिहार के क्षेत्रीय इतिहास और मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के पहलुओं पर केंद्रित था। इन्होंने 250 से अधिक लेख, शोध पत्र, प्राकथन, प्रस्तावना और पुस्तक समीक्षाएं लिखने के साथ ही संपादित और अनुवादित कार्य भी किया है, जिसे भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया था। इन्हें इनके सराहनीय कार्यों के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। कोरोना के समय में लगाई गई वैक्सीन का नाम नहीं है याद, तो ऐसे करे पता। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार कोविशील्ड वैक्सीन को तैयार करने वाली कंपनी ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसमें ब्लड क्लॉटिंग जैसी समस्या शामिल है। इसके बाद कई लोगों के बीच कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हुई है। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें याद नहीं है कि उन्होंने कोरोना के समय में कौन सी वैक्सीन लगाई थी, या वो इस बात को भूल चुके हैं तो घर बैठे इसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट https://selfregistration.covin.gov.in पर विजिट करना होगा। इसके बाद अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है। इसके बाद ओटीपी डालते ही वैक्सीनेशन से संबंधित जानकारी आपको मिल जाएगी। आरोग्य सेतु या फिर डिजी लॉकर ऐप के जरिए भी वैक्सीन का सर्टिफिकेट डाउनलोड किया जा सकता है। लू से शिक्षक की जान जाने के मामले में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ आक्रोशित। बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के महावीर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मटिहानी के शिक्षक डॉक्टर अविनाश कुमार के स्कूल से लौटने के दौरान लू लगने के कारण जान चली। इस घटना पर माध्यमिक शिक्षक संघ आक्रोशित है। इनका कहना है कि शिक्षा विभाग के द्वारा गर्मी के दौरान शिक्षकों और बच्चों को स्कूल आने के लिए विवश किया गया है। शिक्षकों से इस दौरान काम लिया जाना अव्यवहारिक और अन्यायपूर्ण है। सरकार की ओर से भीषण लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी ओर शिक्षकों और मासूम बच्चों को भरी धूप में स्कूल जाना पड़ रहा है। माइलस्टोन के रंग बिरंगे होने की जाने वजह। माइलस्टोन रंग बिरंगे होते हैं। रास्ते में साइन बोर्ड होता है जिसमें ये बताया जाता है कि किस जगह की दूरी कितनी होती है, आपको किस जगह के लिए किस तरफ से जाना है। इससे आपको ये भी पता चल जाता है कि सड़क के किनारे रंग बिरंगा पत्थर लगे होते हैं। इसे माइलस्टोन कहते हैं। इस पर जगह की दूरी बताई जाती है। अलग अलग रंग का होता है। अगर ये हरे रंग का होता है तो उसका मतलब है कि सड़क राज्य हाईवे है। अगर आपको पीले रंग का माइलस्टोन दिखता है तो ये नेशनल हाईवे है। अगर सड़क के किनारे नीले, सफेद या फिर काले रंग का माइलस्टोन दिखे तो उसका मतलब है कि आप किसी बड़े जिले या शहर में। के पाठक ने बिहार के सभी जिलों के डीओ और डीपीओ के वेतन पर लगाई रोक। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बड़ी कार्रवाई की है। इन्होंने राज्य में सभी जिलों के डीओ और डीपीओ के अगले आदेश तक वेतन पर रोक लगा दिए हैं। अगले आदेश तक इनके वेतन पर रोक लगाई गई है। बताया जाता है कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा नियुक्त करीब 1000 शिक्षकों के वेतन भुगतान नहीं होने के बाद शिक्षा विभाग की ओर से ये कार्रवाई हुई है। शिक्षा विभाग के द्वारा कहा गया है कि जल्द ही शिक्षकों के वेतन का भुगतान करें, इसके बाद आपके वेतन का भुगतान किया जाएगा। जानकारी के अनुसार वेतन भुगतान से संबंधित कार्य प्रगति की समीक्षा के बाद ये निर्णय विभाग के द्वारा लिया गया है।
अधिक गर्मी को लेकर इन जिलों में जारी हुआ रेड अलर्ट। प्रदेश में बीते कुछ दिनों से गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। दोपहर के समय में इस तपीस गर्मी से लोगों का घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो चुका है। मौसम विभाग ने अपने आधिकारिक वेबसाइट के जरिए प्रदेश में कई जगहों पर अधिक गर्मी के कारण लोगों को चेतावनी दी है। प्रदेश में पूर्णिया, शेखपुरा और भागलपुर में तो मौसम विभाग द्वारा भीषण गर्मी और लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में मौसम विभाग द्वारा अधिकतर जगहों पर 40 से 42 डिग्री तक अधिकतम तापमान रहने की संभावना जताई गई है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो प्रदेश में अधिकतर जगहों पर न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने वाला है। पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ दो तस्कर को किया गिरफ्तार। बिहार पुलिस के द्वारा शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए सारण जिले के गरखा थाना क्षेत्र से 1034.46 लीटर विदेशी शराब को जब्त किया है। साथ ही दो मोबाइल फोन के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बिहार पुलिस की ओर से सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी शेयर की गई है। साथ ही कहा गया है कि शराब नहीं बल्कि सेहत को चुने और खुशहाल रहे। बिहार में बिना शिक्षक राज्य के 20 पारा मेडिकल संस्थान का संचालन। बिहार में बिना शिक्षक ही राज्य के 20 पारा मेडिकल संस्थानों का संचालन हो रहा है। फिलहाल 20 सरकारी पारा मेडिकल संस्थानों में शिक्षक एवं व्याख्याकर्ताओं की नियुक्ति नहीं हो सकी है। पिछले 4 सत्रों से यहां बिना ट्यूटर और लेक्चरर की पढ़ाई हो रही है। बताया जाता है कि शिक्षकों की कमी के कारण इन कॉलेजों में पढ़ाई सिर्फ डिग्री तक ही सीमित हो गई है। विधानसभा में भी इसके लिए मांग की गई थी। यहाँ की पढ़ाई किसी मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक, नर्सिंग कॉलेज के वार्डन आदि के माध्यम से कराई जा रही है। मालूम हो कि ये कोर्स अस्पतालों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। वहीं चुनाव के बाद बहाली की बात सामने आ रही है। राजद के पूर्व सांसद रामा सिंह ने पार्टी से दिया इस्तीफा। लोकसभा चुनाव के दौरान राजद को एक और झटका लगा है। वैशाली से पार्टी के पूर्व सांसद रामा सिंह ने बीते दिन पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को अपना इस्तीफा भेज दिया है। इस्तीफा देते हुए रामा सिंह ने पार्टी पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। इन्होंने कहा है कि राजद अब अपने सिद्धांतों से भटक चुकी है, इस कारण ये पार्टी में काफी उपेक्षित और आहत महसूस कर रहे हैं। मालूम हो कि रामा सिंह की पत्नी महनार विधानसभा क्षेत्र से राजद के विधायक हैं। बता दें कि रामा किशोर सिंह बिहार की राजनीति में काफी प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। राजद ने गाने के जरिए महागठबंधन की सरकार की तारीफ। बिहार में लोकसभा चुनाव का 2 चरण खत्म हो चुका है। तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होगा। ऐसे में इसकी तैयारी की जा रही है। नेताओं के द्वारा चुनाव प्रचार किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजद ने थीम सॉन्ग को जारी किया है। राजद के नेता मनोज झा के थीम सॉन्ग को लॉन्च किया गया है। इसमें महागठबंधन की सरकार के 17 महीनों के काम का बखान किया गया है। मनोज झा ने कहा है कि महागठबंधन की सरकार में 17 महीने में किए गए कार्यों का ब्यौरा इस गाने में दर्ज किया गया है। राजद के नेता ने कहा है कि भाजपा नौकरी और जनहित के मुद्दे पर चुनाव में कोई बात नहीं कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी दरभंगा में 4 मई को करेंगे चुनावी सभा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मई को दरभंगा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पीएम आज मैदान में रैली करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। पीएम के आगमन को लेकर जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है। राज मैदान में इससे पहले पीएम मोदी ने 24 अप्रैल 2014 को लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार किया था। आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री 4 बार राज मैदान में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। पिछली बार नरेंद्र मोदी की सभा सिर्फ दरभंगा में ही नहीं बल्कि पूरे मिथिलांचल में सफल हुई थी। इधर 2 मई को फिर जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं। ये अररिया और मुजफ्फरपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सिवान से हीना साहब ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर किया पर्चा दाखिल। सिवान से पूर्व सांसद एवं दिवंगत नेता साहबुद्दीन की पत्नी हीना साहब ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर दिया है। हीना साहब ने सिवान समाहरणालय में पहुंचकर अपना पर्चा दाखिल किया है। इस दौरान हीना साहब के समर्थक पीला और भगवा गमछा धारण किए हुए नजर आए। सिवान में हीना साहब के निर्दलीय नामांकन करने के बाद त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। मालूम हो कि यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा है। वहीं महागठबंधन में बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को उतारा है। यहाँ पर 6ठे चरण में 25 मई को मतदान होगा।
बिहार कांग्रेस ने पर्यवेक्षक को किया नियुक्त। बिहार कांग्रेस में AICC पर्यवेक्षक के रूप में फुरकान अंसारी को नियुक्त किया गया है। इन्हें पर्यवेक्षक बना दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर फुरकान अंसारी को नियुक्त करने के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी गई है। इसी को लेकर एक पत्र भी जारी किया गया है। फुरकान अंसारी के बारे में आपको बता दें कि इन्होंने झारखंड के गोड्डा लोकसभा सीट से साल 2004 में चुनाव जीता है। इसके बाद साल 2009 और 2014 के चुनाव में ये दूसरे स्थान पर रहे हैं। इस बार से लोकसभा चुनाव के दौरान ये काफी एक्टिव हैं। मालूम हो कि बिहार की सीटों पर जीतने के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम की हुई घोषणा। T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। इसमें KL राहुल के अलावे रिंकू सिंह को जगह दी गई है। साथ ही शुभमन गिल भी इस टीम में शामिल है। टीम इंडिया रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलेगी, जबकि हार्दिक पांड्या उप कप्तानी करेंगे। टीम में ऋषभ पंत और संजू सैमसन दो विकेट कीपर शामिल है। KL राहुल को टीम से बाहर किया गया है। मालूम हो कि T20 विश्व कप की शुरुआत 1 जून से होगी। पहला मुकाबला वेस्ट इंडीज और अमेरिका की सह मेजबानी में हो रही है। 29 जून को फाइनल मैच होगा। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज भारतीय टीम में है। वहीं IPL 2024 में आज CSK और PBKS के बीच मुकाबला होगा। आपके अनुसार टीम इंडिया में किस खिलाड़ी को बाहर करना चाहिए और किस खिलाड़ी को जोड़ना चाहिए, आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत इतिहास में आज की तारीख। 1 मई वर्ष 1876 में महारानी विक्टोरिया ने भारत का खिताब जीता था। आज के दिन वर्ष 1923 में भारत में मई दिवस मनाने की शुरुआत चेन्नई में हुई थी। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूर दिवस मनाते हैं। आज के दिन वर्ष 1960 में बम्बई पुनर्गठन अधिनियम के तहत महाराष्ट्र को आधिकारिक रूप से भारत सरकार का अलग राज्य घोषित किया गया था। आज के दिन वर्ष 1909 में महामाया प्रसाद सिन्हा का जन्म हुआ था। ये पेशे से एक राजनीतिज्ञ थे। आज के दिन वर्ष 1913 में बलराज साहनी का जन्म हुआ था। ये एक भारतीय अभिनेता थे। 25 साल बाद नोकिया का फ़ोन बाजार में आ रहा वापस। साल 1999 के आसपास कई लोगों ने बटन वाले नोकिया फ़ोन का उपयोग किया है। 25 साल पुराना नोकिया फ़ोन फिर से बाजार में वापस आ रहा है। HMD ग्लोबल ने HMD पल्स लॉन्च के इवेंट में एक नए 4G को टीज कर दिया है। कंपनी की ओर से नोकिया का आइकॉनिक फ़ोन नोकिया 3210 शोकेस किया गया है। हालांकि साल 2024 में इस नए फ़ोन को कई खूबियों के साथ बाजार में वापस लाया जा रहा है। मालूम हो कि ये पहली बार नहीं है जब कंपनी के द्वारा पुराने फ़ोन के बाजार में वापस लाया गया है। इससे पहले भी इस फ़ोन को नए अंदाज में पेश किया जा चुका है। सबसे पहले इसे साल 2020 में पेश किया गया था। नोकिया 3010 फ़ोन को क्या आपने देखा है, आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ट्रैफिक पुलिस के हाथों कार डैमेज होने पर मुआवजे के जाने नियम। भारतीय शहरों में कार की पार्किंग को एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जाता है। पार्किंग की सुविधा नहीं होने के कारण कभी कभी कई लोग अपनी कार को नो पार्किंग एरिया में लगा देते हैं। ये कानूनन गलत है और ऐसा होने पर ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी को उठा सकती है, लेकिन कार उठाने के दौरान ट्रैफिक पुलिस के हाथों भी गाड़ी डैमेज हो सकती है। ऐसे में मुआवजे के नियम को जानना बेहद ही जरूरी है। नियमों के अनुसार गाड़ी उठाने के क्रम में अगर आपकी गाड़ी को ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही के कारण नुकसान होता है तो फिर ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट या फिर गाड़ी उठाने वाली कंपनी को मुआवजा देना होगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे नए प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, वंदे मातरम किसने लिखा था? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ऑप्शन सी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 1946 में तेभेगा आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है बंगाल। इसका सही उत्तर है बंगाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है विलियम विडरबर्न, ऑप्शन बी है जॉर्ज यूल, ऑप्शन सी है एओ ह्यूम, ऑप्शन डी है हेनरी कॉटन। इसका सही उत्तर है जॉर्ज यूल। बिहार विधानसभा की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुई थी? ऑप्शन ए अनुच्छेद 170, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 171, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 169, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 173। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 170।
बिहार में 1938 में कहां पर अखिल भारतीय मुसलमान छात्र सम्मेलन हुआ था? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी है चंपारण, ऑप्शन डी है पटना। इसका सही उत्तर है पटना। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है विकास दास, बम बम कुमार, रंजीत मिश्रा, पवन सिंह, जितेंद्र ठाकुर, राजेश पटेल, रवि कुमार राम, रंजीत मिश्रा, रितेश यादव, मोहम्मद साकिर हुसैन, अतीक खान। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।